गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसान, वेलकम टू माय चैनल। नहीं, मैंने फेस लिफ्ट नहीं करा है, दिस इज ऑल जस्ट मेकअप। आज हम कर रहे हैं जो बहुत ही ट्रेंडी मेकअप है, वो है फॉक्स आई मेकअप। लेकिन हमने आई शेडो के अंदर, आईब्राउज के अंदर, स्किन के अंदर, हर चीज के अंदर हमने आईज को लिफ्टिंग करने का इफेक्ट दिया है। तो आज मैं आपके साथ सब वो सीक्रेट शेयर करूंगी जिसके साथ आप अपनी आईज को एक लिफ्टेड इफेक्ट दे सकते हैं, अपने पूरे फेस को एक लिफ्टेड इफेक्ट दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो में मैंने ये लुक कैसे क्रिएट करा है और कितनी आसानी से, तो देखते रहिए। सबसे पहले मैं स्किन को प्राइम करूंगी, उसके लिए मैं यूज करूंगी निक्स का हाइड्रेशन प्राइमर और फिर मैं उसके साथ यूज करूंगी लिनीश का लिप स्लीपिंग मास्क। अब हम आ जाएंगे आईब्राउज के ऊपर और आईब्राउज को हमने बिल्कुल एक लिफ्टेड इफेक्ट देना है। तो बगैर किसी टेप के हम ऐसा करेंगे कि हम अपनी आईब्राउ के सब हेयर्स को ऊपर की तरफ ब्रश करेंगे और जो टेल के आखिर के जो कुछ बाल है उनको बिल्कुल ही हम स्ट्रेटन करेंगे। एक और ट्रिक है अपनी आईब्राउज को लिफ्टेड इफेक्ट देने का कि जो आपके आखिरी के कुछ हेयर्स हैं आप उनको इग्नोर कर दीजिए और जहां तक बिल्कुल एक स्ट्रेट इफेक्ट आ रहा है सिर्फ वहां तक फिल करें। और फिर जब आप फाउंडेशन लगाएंगे तो उससे हल्के से इन बालों को कवर कर लेंगे तो उससे भी वो लिफ्टेड इफेक्ट आएगा। अब जो मैं आईज को प्राइम करी हूँ उसके लिए मैं यूज करी हूँ मैक का पेंट पॉट और ये कलर पेंट के लिए प्राइमर मेरा लग गया है। उसके ऊपर मैं लगाऊंगी पाउडर्ड फाउंडेशन। आपने नोटिस करा होगा कि मैं कभी भी ट्रांसलूसेंट पाउडर नहीं यूज करती। ट्रांसलूसेंट पाउडर के ऊपर आई शेडो बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बिल्ड होगा, तो इसलिए एक पाउडर्ड फाउंडेशन अपनी आईज को सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं आप, विच इज मच बेटर। इन मैं जो एक न्यूट्रल ब्राउन्स और ब्लैक्स के साथ बनाऊंगी फॉक्स आई, जो कि जिस तरह से पॉपुलर है। तो हम लेंगे एक ब्रॉन्जर। तो अब जो है हमें आईज को लिफ्टेड इफेक्ट देना है तो मैं आउटर एज पे थोड़ा सा पहले कलर लगाऊंगी और इसको अप एंड आउट ब्लेंड करूंगी और ये कलर मैं ऑल द वे अंदर तक लेके जा रही हूँ। अब सॉफ्ट ग्लैम पैलेट में से मैं ये कलर लूंगी, ये है रस्टिक और ये थोड़ा सा डार्क है। तो अगेन मैं ये इसको आउटर डॉट लगाऊंगी पहले एक, फिर मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी अप, लेकिन जितना पहले वाला कलर था उतना अप नहीं करेंगे हम, उससे थोड़ा सा नीचे और फिर आउट ब्लेंड कर लेंगे। अगेन जितना हमने दूसरा कलर लगाया था उतना नहीं। ये है रॉक्सी राइडर डाई पैलेट, इसके अंदर ये कलर है ब्लू और ये एक बोन व्हाइट शेड है, मैट कलर है। और इसको जो मैं फिंगर से अप्लाई कर लूंगी इनर कॉर्नर में और अगेन इसी कलर को मैं यूज करूंगी ब्रा बोन के नीचे, थोड़ा सा क्लीन अप करूंगी। अब हम आ जाते हैं आईलाइनर पर। इस लुक को ज्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए, अपनी आईज को ज्यादा लिफ्टेड इफेक्ट देने के लिए हम थोड़ा सा अंदर की तरफ से स्टार्ट करेंगे। इससे आपकी आंखें छोटी नहीं लगेंगी क्योंकि हम ऊपर की तरफ एलोंगेट कर रहे हैं, तो आपकी आंखें फिर भी लॉन्ग लगेंगी लेकिन उठी हुई लगेंगी। तो हम थोड़ा सा अंदर की तरफ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा आई शेडो है यहाँ से वो मैं उसको क्लीन अप कर लूंगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह बिल्कुल ही लिफ्टेड इफेक्ट आ रहा है, आप दोनों आईज में डिफरेंस देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी। मुझे हमेशा बहुत मुश्किल लगता था इनर कॉर्नर को शार्प बनाना। एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप इनर कॉर्नर में पेंसिल को रखिए और उसको आउटर तरफ फ्लिक कीजिए तो उससे बहुत अच्छा शेप बन जाता है, सिर्फ थोड़ा सा क्लीन अप करने की जरूरत होती है। थोड़ा सा मैं टाइट लाइन कर रही हूँ, मैं आई लाइनर नहीं कर रही उसको। पहले अपनी आई लैशेज को मैं कर्ल कर लूंगी और मस्कारा लगाऊंगी, तो इनको काटना पड़ेगा। तो मैं लूंगी सिर्फ इन लैशेज को आउटर एज। वेट अ मिनट, आई हैव आउटर एज वंस। इस मेकअप लुक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने फुल लैशेज नहीं यूज करनी है, आपने यूज करनी है एज ओनली लैशेज। अगर आपके पास एज ओनली लैशेज नहीं है तो अगर आपका कोई एक ऐसा पेयर है जिसके अंदर विंग्ड एजेस हो, अगर वो बहुत ज्यादा यूज हो गई हो और आपको वो नहीं यूज करनी है तो आप उसको कट करके उसकी सिर्फ एजेस यूज कर लीजिए। लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरह से संभाल के रखेंगे तो आप उसको दो एक साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये है एज आई लैशेज और ये है प्राइममार्क की। तो आज हम ये अप्लाई करेंगे। तो आज मैं यूज करूंगी फाउंडेशन के लिए है 24 आवर सुपर स्टे, ये मेबलिन का फाउंडेशन है, इसका कलर है सन बेज। अगर आपको फील होता है कि आपका फाउंडेशन क्रैक हो रहा है अराउंड द माउथ या फोरहेड पे तो आपने वहां पे बिल्कुल थिन लेयर्स में अप्लाई करना है फाउंडेशन। अक्सर क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लेके उसको स्प्रेड आउट करने की कोशिश करते हैं और वो सही से स्किन पे नहीं बैठता है। तो अब हम आ जाएंगे कंसीलिंग पर और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपना कंसीलर बिल्कुल सही तरह से अप्लाई करेंगे। बहुत दफा क्या होता है कि जब इस तरह ये आप सिर्फ आईज पे अगर फोकस करें बाकी सब इग्नोर करें, ये जो की पॉइंट हम करते हैं कंसीलिंग, बहुत सारे लोग इस तरह से अप्लाई करते हैं और लिफ्टेड इफेक्ट के लिए और फिर उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेते हैं तो वो पूरा फैल जाता है, विच इज टोटली बिसाइड्स द पॉइंट। आपने एक छोटा सा ब्रश लेना है और उधर ही आपने
पैटिंग मोशंस में इसको ब्लेंड करना है और जहां जहां लगाए सिर्फ वहां वहां ब्लेंड करना है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्रश से करने से ज्यादा प्रिसिजन आता है। ये बाकी सब मैं ब्लेंड आउट कर लेती हूँ। अब इसी को और भी ज्यादा एक फॉक्स इफेक्ट देने के लिए मैं थोड़ा सा क्रीम कॉन्टोर लूंगी, मैं करूंगी जो हमने लाइन बनाई थी उसके ऊपर यहाँ, तो उससे एक और लिफ्टेड इफेक्ट आ जाएगा। मैं नोज वगैरह कॉन्टोर कर लूंगी, बहुत ज्यादा इसको नीचे नहीं लेके आना कलर। जब आप पाउडर यूज करे हो और अगर आपके आईज के नीचे क्रीसिंग होती है, जैसे मेरी होती है, बहुत बुरी क्रीसिंग हो जाती है अगर मैं प्रॉपरली ना सेट करूँ, तो आप एक फ्लफी सा ब्रश ले लीजिए और जब पाउडर यूज कर रहे हैं उसको अंदर की तरफ ब्लेंड कीजिए। आई नो दिस फील्स वियर्ड, मगर इस तरह से आपका पाउडर अच्छी तरह से आपके लाइन्स के अंदर बैठेगा और ऊपर नहीं बैठेगा। और इसी पाउडर से मैं पूरा फेस भी सेट कर लूंगी। तो ब्लश के लिए मैं यूज करूंगी वन ऑफ माय फेवरेट्स, न्यूड स्टिक्स न्यूडीज। ये है सनसिल्क स्ट्रिप कलर। ये मैं थोड़ा सा अप्लाई करूंगी एप्पल्स ऑफ द चीक पे, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगी और ऊपर की तरफ इसको ब्लेंड करूंगी। हाईलाइटर के लिए आज मैं यूज करूंगी ये है रेवोल्यूशन प्रो का लाइम लाइट इन द कलर फ्रॉस्ट। ओके जी, तो ये हो गया है हमारा फॉक्स आई लुक। मैंने बेला हदीद के जैसे बाल बनाने की भी कोशिश करी, लेकिन आपको पता है अपने बाल बनाना तो जस्ट can't। लेकिन ये आज का हमारा लुक हो गया कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।